लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे रे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बोल ना बेटा, क्या हुआ? मुझे जाने दो, मम्मी पापा को परछाई ने गायब कर लिया। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ होंगे। नहीं अप्पू भैया नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसे पता कि आपके मम्मी पापा को परछाई ने ही गायब किया? नहीं, मैंने टीवी पर सुना है। मम्मी पापा जिस प्लेन से आ रहे थे उस प्लेन के सभी यात्री गायब हो गए। मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो रामू। अरे लेकिन आप कहाँ जाइएगा उन्हें ढूंढने? शक्तिमान के पास, वो मेरे मम्मी पापा को ढूंढ कर जरूर लेके आएगा। अच्छा, लेकिन शक्तिमान आपको कहाँ मिलेगा? हमारे फैन क्लब में। और कहा, वो हम बच्चों की तकलीफें सुनने आता है। मुझे जाने दो रामू, मुझे जाने दो। काश शक्तिमान सचमुच लोगों को परछाई से बचाने आता। क्या सोच रहे हो रामू, मुझे जाने दो। ठीक है आप चले जाइएगा, मगर पहले दीदी जी को तो आने दीजिए। लगता है वो लोग आ गए। दीदी दीदी। अप्पू? पापा? मम्मी? पापा? पापा? बस बेटा, बस। पापा? बस। पापा? बस। पापा? बस बेटा, बस। शाबाश। पापा? बेटा, अब तो पापा आ गए ना, हाँ? पापा? नहीं बेटा, रोते नहीं। नहीं बेटा, रोते नहीं। मम्मी, मैंने टीवी पे ये सुना था कि आप लोगों को परछाई ने गायब कर दिया। नहीं बेटा, रो मत, अब तो हम आ गए ना, आ गए ना हम। मम्मी पापा चलो अंदर चलते हैं। तुम इसे लेकर ऊपर चली जाओ। चलो बेटा। पापा, परछाई के दहशत का आलम इस शहर के हर घर में ऐसा ही है। हर कोई डरा हुआ है कि कब परछाई आएगी और उन्हें गायब करके ले जाएगी। समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। शक्तिमान इस बारे में क्या कहता है? हाँ? बेटा मैं जानता हूँ, वो सबसे पहले अपनी न्यूज तुम्हें देता है। लेकिन पापा, आप शक्तिमान के बारे में? मैं ही नहीं, सारी दुनिया जानती है उसके बारे में। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी न्यूज आती थी। उसने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं? बताया, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। उसे तो सिर्फ इतना ही पता है कि ये कोई मशीनी ताकत है। मशीनी ताकत?
इस घटना को विशेषज्ञों ने इंसानी बरसात का नाम दिया है। आज जब सारा शहर परछाई के आतंक में जी रहा था, तब अचानक एक बड़ी सी परछाई ने सारे शहर को ढक लिया। कुछ पलों के लिए शहर में इतना घना अंधेरा छा गया कि रात का अंधेरा भी छूटा लगने लगा। और अचानक जब परछाई हटी तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सारे शहर में जहां तहां बेहोश पड़े लोग ऐसे पाए गए जैसे वो आसमान से बरस रहे हों। ये वही लोग थे जिनका अपहरण परछाई ने पहले किया था। सभी की गर्दन पर वैसे ही निशान पाए गए थे जैसे जनकपुरा पुलिस स्टेशन के स्टाफ के लोगों की गर्दन पर पाए गए थे। शहर के पूर्वोत्तर सीमा से लगे हुए जंगलों में विशेषज्ञों को दो जगह जली हुई जमीनें मिली हैं। जला हुआ हिस्सा गोलाई में है, जैसे किसी ने बहुत बड़ी जलती हुई प्लेट जमीन पर रख दी हो। इस तरह जमीन के जल जाने का रहस्य अभी तक किसी की समझ में नहीं आया, जबकि आसपास के आदिवासियों का ये दावा है कि उन्होंने रात में कोई चमकीली चीज को नीचे उतरते देखा है। वो उसे भूत लीला समझकर डरकर भाग गए, जबकि सत्य क्या है कोई नहीं जानता। सत्य क्या है? सत्य क्या है ये शायद मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उड़न तश्तरी। उड़न तश्तरियों का काम है ये। क्या फ्लाइंग सॉसर? उड़न तश्तरी? हाँ, उड़न तश्तरी पर सवार होकर दूसरे ग्रह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हो ना हो, मुझे इस बात का यकीन है कि ये काम भी उन्हीं लोगों का है। दूसरे ग्रह के लोग? लेकिन पापा ये कैसे हो सकता है? क्या आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है इन दूसरे ग्रह के लोगों को? नहीं, और लोगों की तरह मुझे भी ये मालूम नहीं कि मुझे गायब करने के बाद कहां ले जाया गया था या किन लोगों ने मुझे गायब किया था। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरे ग्रह के लोग हैं? इस बात का मुझे अंदाजा है, और मेरे अंदाजे का एक ठोस आधार भी है मेरे पास। कौन सा आधार पापा? तुम्हें याद नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया उड़न तश्तरियों पर रिसर्च करने के लिए ही गया था। ओ या। तो ये उड़न तश्तरियां हमारी हमारी धरती पर आती है? ऑफ कोर्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया के ये तीन मुल्क हैं जहां अक्सर लोगों ने उड़न तश्तरियों को आते और जाते देखा है। पिछली दोनों घटनाएं उड़न तश्तरियों की ओर संकेत कर रही हैं। कौन सी घटनाएं? पहली घटना लोगों का अपहरण किया जाना और वापस छोड़ दिया जाना, और दूसरा जंगल में पाए जाने वाला जली हुई जमीन का एक बड़ा सा गोल निशान। ये दोनों ही संकेत हमें ऑस्ट्रेलिया में मिले। वहां पर कई लोगों ने यह दावा किया है कि दूसरे ग्रह से लोग आकर उन्हें ले जाते हैं रात को और अगले दिन वापस छोड़ जाते हैं। बल्कि उनमें से कई लोगों से तुम्हारी मम्मी स्वयं मिल चुकी हैं। लेकिन पापा, यहाँ पर तो लोगों को सिर्फ परछाई दिखाई देती है। हो सकता है ये परछाई उन्हीं लोगों का एक बदला हुआ रूप हो। मुझे यकीन है कि ये काम दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों का ही है। यदि ये दूसरे ग्रह के आए हुए लोगों का काम है तो ये दूसरे ग्रह के लोगों का मकसद क्या है? ये लोगों का अपहरण क्यों करते हैं? इसी बात का तो पता करना है हमें। हो ना हो, इनके आने के पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है। सर, सर, सर। हाँ हाँ। जयकाल जब रिसर्च करता है उस वक्त जयकाल को कोई डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, और ये बात कितनी बार समझाएगा जयकाल? सॉरी सर, सर मगर बात ही कुछ ऐसी है जिसे देखकर मैं होश उड़ गए हैं सर। ऐसी क्या बात है जूलिया? सर आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, हमारे सैटेलाइट कैमरों ने उसकी फोटो ले ली है। वो बड़ी अजीब सी परछाई है सर। परछाई? लगता है तुम्हारे होश सचमुच उड़ चुके हैं जूलिया। नो सर, प्लीज आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। चलो।
कौन सी चीज है जो सूरज की रोशनी के सामने पड़कर भी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उसकी परछाई दिखाई देती है। यही तो पता नहीं चल रहा है सर कि वो क्या चीज है। इसे तो हमारे सैटेलाइट के कैमरे भी नहीं पकड़ पा रहे और दुनिया भर के लोगों को भी ये चीज दिखाई नहीं दे रही है सर। जो चीज जयकाल की नजरों से छिप सकती है वो दुनिया में किसी और को कैसे नजर आ सकती है? अगर वो कौन है जो दुनिया में अंधेरा फैला रहा है, हमारा काम कर रहा है? शायद वो लोग भी हमारी तरह तमराज क्लिविश के एजेंट होंगे सर। नामुमकिन। अगर ऐसा होता तो जयकाल को इसका पता जरूर होता। खैर, जयकाल इसका पता जरूर लगा लेगा कि वो चीज क्या है। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा तमराज किल्विश। तो परछाई के रहस्य को जानने आए हो? हाँ, आखिर किसकी परछाई है वो? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई तो हमें दिखती है मगर वो चीज दिखाई नहीं देती? दिखी तो हमें भी नहीं है वो अब तक, मगर अंधेरे ने उसे महसूस जरूर कर लिया है। कौन हो सकता है वो? ये वही लोग हैं जो कभी अंधेरे के चंगुल से बचकर भाग गए थे इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर। दूसरा ग्रह? ये परछाई उनके यान की है। आपका मतलब ये दूसरे ग्रह से आए लोगों का काम है? यकीनन, ये दूसरे ग्रह से आए हैं मगर 5,000 साल पहले ये इसी धरती पर रहते थे। फिर ये दूसरे ग्रह में कैसे चले गए? ये एक लंबी कहानी है, अभी सिर्फ इतना जान लो मुझसे बचने के लिए ही ये लोग इस आकाश गंगा के दूसरे छोर पर स्थित रुहाक्षण नामक ग्रह पर चले गए थे जो यहाँ से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उस ग्रह पर मेरा कोई प्रभाव नहीं था। अच्छा हुआ जो ये लोग दोबारा यहाँ आए हैं, इस बार ये नहीं बच पाएंगे मेरे चंगुल से। मेरे लिए क्या आदेश है तमराज किल्विश? सुनो, इस बार हमें एक तीर से दो निशाने लगाने हैं। एक तीर से दो निशान? हाँ, हमें इनको अपना गुलाम बनाकर उनके ग्रह में भी अंधेरा फैलाना है ताकि पूरे ब्रह्मांड में हमारा साम्राज्य फैल सके। जी तमराज किल्विश। मगर उसके लिए पहले हमें इनके हाथों शक्तिमान को खत्म करवाना है, क्योंकि शक्तिमान प्रतीक है सच्चाई का। उसे खत्म करके ये खुद बहुत पाप कर बैठेंगे, फिर बहुत आसान होगा इन्हें अंधेरे का गुलाम बनाना। इसलिए बहुत जरूरी है इनके हाथों शक्तिमान की मौत। इनके हाथों शक्तिमान की मौत? हाँ, और इनके हाथों ही शक्तिमान की मौत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, शक्तिमान से भी ज्यादा शक्तिशाली। मगर वो शक्तिमान को मारेंगे कैसे? तुम्हारे जरिए। तुम अपने विज्ञान के जरिए उनसे संपर्क करो और कैसे भी इन रुहाक्षणों को शक्तिमान का दुश्मन बना दो। जो आदेश तमराज किल्विश, मैं यकीनन उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तो फिर जरूर अंधेरे की तारीख में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। अंधेरा कायम रहे। अंधेरा कायम रहेगा तमराज किल्विश। शक्तिमान।
आंखें खोलो बस। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहो वत्स, मुझे याद करने का कारण? आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, अच्छी तरह से समझते होंगे मेरे अंतर मन में चलते हुए विचारों को। परछाई को लेकर चिंतित हो वत्स? हां गुरुदेव। गुरुदेव, ये क्या चीज है जो मेरी पकड़ में भी नहीं आ रही, जिसे न विज्ञान देख सकता है ना ही मेरा आत्मिक ज्ञान? ये निश्चित तुम्हारे ज्ञान और इस संसार के विज्ञान दोनों से परे की चीज है वत्स। किंतु मैं जानता हूं कि यह परछाई एक अंतरिक्ष यान की है जिस पर सवार होकर कुछ लोग यहां पृथ्वी आए हैं, परंतु उन लोगों का संबंध कभी इस पृथ्वी से ही था। आपका तात्पर्य यह है कि अब ये लोग इस पृथ्वी पर नहीं रहते? हाँ, इन लोगों का निवास स्थान ब्रह्मांड के दूसरे सौरमंडल में स्थित रोहक्षण नामक ग्रह। वत्स, ये लोग उन्नत विज्ञान के स्वामी हैं, तुम इन लोगों को रोहक्षण पुकार सकते हो। रोहक्षण? हाँ, और इनके माध्यम से ही तुम्हें तुम्हारी उन प्रश्नों के उत्तर भी मिलने आरंभ हो जाएंगे जिन्हें लेकर तुम सदैव विचलित रहते हो वत्स। जैसे वास्तव में तुम कौन हो और तुम्हें ही हमने शक्तिमान क्यों बनाया। परंतु इन रोहक्षिणों से मेरे अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों का क्या संबंध हो सकता है गुरुदेव? शांत रहो वत्स, मैंने कहा ना, समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही मिलने वाला है। अब सुनो, कैसे भी तुम्हें उन रोहक्षणों तक पहुंचना होगा, क्योंकि किलविश भी उन तक पहुंचना चाहता है, और यदि वो तुमसे पहले उन तक पहुंचा तो वास्तव में अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम सावधान होकर अपने पूरे मनोयोग से उन्हें ढूंढो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। विजयी भवावत्स। इन रोहक्षिणों का क्या संबंध हो सकता है मुझसे? ये गुरुदेव दिन ब दिन मुझे क्यों रहस्यों में उलझाते जा रहे हैं? पता नहीं इन रोहक्षिणों से मुझे किन रहस्यों का पता चलेगा, जबकि अब तो वो खुद ही एक रहस्य बने हुए हैं। सर, सर मॉनिटर नंबर 2 पे देखिए सर। तो ये हैं तमराज किलविश के मोहरे जो शक्तिमान को खत्म कर सकते हैं। पावर।
स्पेसशिप है। पापा का अंदाजा सही था। ये कौन से प्राणी है? मुझे दिखना चाहिए। ये लोग कहाँ जाते हैं? My God,